प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए। कई दिन बीत गए और एक सांझ बैठे हैं और भरत आते हैं राम जी के पास। वार्तालाप हो रहा है। भरत जी एक बात पूछते हैं, कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, ये जो हनुमान है ना, इतने दिनों से हम देख रहे हैं, जब से आप अयोध्या लौटे हैं, आपका और सीता माता का, आप दोनों का विशेष स्नेह हनुमान पर है, विशेष, ऐसा हमने किसी के प्रति आपका ऐसा स्नेह नहीं देखा जो हनुमान के प्रति है, क्या कारण है? वानर है, आपका भक्त है, पर ऐसा भी क्या कि दोनों बरसते ही रहते हैं, आपकी कृपा हनुमान पर बरसती ही रहती है, क्या विशेष बात है हनुमान में? तो प्रभु राम भरत के पास आते हैं, भरत के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हैं, भरत की आंखों में आंखें डालते हैं, मुस्कुराते हैं, इधर मुस्कुराते हैं, उधर प्रभु की आंखें भर आती हैं, कहते हैं भरत से, भरत भाई, कपि से उऋण हम नाहीं, हम नाहीं, हम नाहीं, हम नाहीं, भरत भाई, कपि से उऋण हम नाहीं, कपि से उऋण हम नाहीं, तीन बार कहते हैं, तीन बार। किसी भी बात को कहने की बड़ी महत्ता है तीन बार कहने की, और ऊपर से उस तीन बार को दोहरा रहे हैं प्रभु श्री राम स्वयं। राम यदि कोई बात कहते हैं, साधारण नहीं है वह। राम यूं ही कुछ नहीं कह देते, जो पहली ही पंक्ति प्रभु ने कह दी, ये पहली ही पंक्ति आगे नहीं बढ़ने देगी। वे प्रभु श्री राम जिनका ऋणी अखिल ब्रह्मांड है, एक एक परमाणु, एक एक परमाणु ब्रह्मांड का वो प्रभु श्री राम का ऋणी है, वे जो सबके दाता हैं, वे कह रहे हैं भरत जी से कि मैं हनुमान का कर्जदार हूं। कैसा कर्जदार? छोटा मोटा कर्जदार नहीं हूं, ऐसा कर्जदार हूं जो कर्ज कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। कपि से उऋण हम नाहीं, 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 नाहीं। प्रभु की क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी, कितनी कृतज्ञता का भाव, कितनी कृतज्ञता का भाव हनुमान के प्रति, कि भरत तुम पूछ रहे हो मुझसे कि हनुमान में ऐसा क्या विशेष है। तो सबसे पहली विशेषता यही जान लो भरत, कपि से उऋण हम नाहीं। मैं संसार में सभी के ऋण उतार सकता हूं, सभी के उतार कह सकता हूं, किसी का ऋण मुझ पर चढ़ा ही नहीं कभी। फिर भी अगर भूल चूक से किसी का चढ़ भी गया हो तो एक क्षण नहीं लगता मुझे ऋण उतारने में, क्षण भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कपि, ये कपि श्रेष्ठ हनुमान, इसके ऋण से मैं उऋण कभी नहीं हो सकता। अब आगे प्रभु बताते हैं कि हनुमान ने मुझ पर क्या क्या उपकार किए। देखिए प्रभु श्री राम के
सरलता, सहृदयता, उनका संकोच, जो सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, वे भी कह रहे हैं कि मैं हनुमान के उपकारों का ऋण नहीं चुका सकता। क्या उपकार किया हनुमान ने, बता रहे हैं प्रभु भरत से कि सो योजन मर्याद सिंधु की लांग गयो पल माहे, सीता सागर के उस पार थी, सो योजन की मर्यादा थी सिंधु की, कौन पार करे, सागर को कौन पार करे, लांग गयो पल माहे। यही वो हनुमान है जो एक पल में सागर को लांग गया। और क्या किया, लंका जारी सिया सुधलाए, लंका को जलाकर राख कर दिया। शूरवीर देखो कितना है, मेरा प्रतिनिधि, मेरा दूत बनकर वहाँ गया और अपने माध्यम से मेरा शक्ति प्रदर्शन करके आया। प्रभु श्री राम कहते थे, मेरा क्रोध देखना हो तो हनुमान है मेरा क्रोध, मेरे क्रोध की प्रतिमूर्ति देखनी है तो हनुमान को देख लो। तो लंका जा रहे, लंका को जलाकर राख कर दिया, सिया सुध लाए और सीता का समाचार लेकर आया। उस सीता के लिए मैं वन वन विलाप करता हुआ भटक रहा था, मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट था भरत। मुझसे जब लौट कर पूछती मेरी माताएं, महाराज जनक और सीता की माता मुझसे पूछती कि राम वैदेही कहाँ है, जनक पूछते राम जानकी कहाँ है, मेरी माताएं पूछती राम हमारी वधु सीता कहाँ है, मैं क्या उत्तर देता, क्या उत्तर देता। उस सीता की खोज करके यही हनुमान आए थे, यही हनुमान। सो योजन मर्याद सिंधु की लांग गयो पल माहे, लंका जारी सिय सुधलाए गरब नाही मन माहे। और भरत इतनी बड़ी उपलब्धि करके हनुमान आया, लेकिन कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। जबकि उस समय जो दल के अन्य वानर थे ना, उन सभी ने वनों को तहस नहस कर दिया था, जो शहद के छत्ते थे उनको तोड़ डाला, फलों के वृक्षों को तोड़ डाला। वानर दल के अन्य सभी सदस्यों ने बड़ा उत्पात मचाया, उन्हें अहंकार था कि देखो हमारा दल सीता को खोज कर लाया है। और उस अहंकार के मद में चूर होकर उन्होंने राजकीय संपत्ति का बहुत नुकसान किया, बहुत हानि की उसकी। लेकिन भरत, हनुमान ने कण मात्र का भी अपना गर्व नहीं दिखाया। लंका जारी सिय सुध लाए गर्व नाही मन माही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि। और जानते हो भरत, जिस समय हनुमान सीता की खोज करके आया था ना, मैं बहुत संकुचित हो गया था, बहुत संकुचित। सोच रहा था कि हनुमान ने मेरा इतना दुष्कर कार्य साध दिया, इतना मुश्किल काम मेरा हनुमान ने कर दिया और मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं हनुमान को। भरत, उस समय जो मेरी स्थिति थी वह मैं ही जान सकता हूं। मैं कैसे दुराहे पर खड़ा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि, अरे मैं राजा होता उस समय तो मोतियों हीरों की मालाएं उसको दे देता हनुमान को, मैं तो वनवासी, मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था हनुमान को देने के लिए। और मैं ऐसी स्थिति में कि छोटा छोटा भी समाचार
अगर कोई देकर जाता है किसी को तो उसे कुछ दिया जाता है, शुभ समाचार। और हनुमान तो मेरे जीवन का, मेरे प्राणों का सार, मेरी प्राणवल्लरी सीता, उसका समाचार लेकर आया था और मेरे पास देने को कुछ नहीं था। और जानते हो भरत, मैंने उसे उस समय क्या दिया? मैंने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और लगाए रखा बहुत देर तक, और धीरे से हनुमान के कान में कहा, धीरे से कहा, तुम मम प्रिय भरत संभाए। बस बस यही मैंने उसे पुरस्कार दिया, तुम मम प्रिय भरत संभाए, कपि से उऋण हम नाहे। भरत भाई, मैं इस हनुमान के ऋण से उऋण कभी हो ही नहीं सकता। और शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, युद्ध हुआ, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। हाहाकार भयो दल माहे, सारे दल में हाहाकार मच गया, सारे दल में। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना, सेना का सारा मनोबल टूट जाना था। सारी सेना, वानर सेना, वृक्ष सेना जितने थे, सारी सेना हतोत्साहित हो गई। शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माहे, दल का हाहाकार सभी ने देखा था, लेकिन मेरे हृदय में जो हाहाकार मचा था उसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ, सिर्फ मैं। मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ भरत, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो मैंने यही सोचा था कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया, मैं सीता की खोज में आगे नहीं जाऊंगा, इन्हीं वनों का होकर यहीं रह जाऊंगा, मैं लौटकर अयोध्या आऊंगा ही नहीं। सोचो कितना हाहाकार मेरे हृदय में होगा, कैसा हाहाकार हो रहा होगा। और हनुमान ने द्रोणागिरि पर्वत ले आयो, भोर न होने पाए, सुबह नहीं होने दी। वैद्य जी ने कहा था यदि सूर्योदय हो गया और जड़ी बूटी नहीं आई, संजीवनी बूटी, बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। हनुमान ने बात नहीं बिगड़ने दी भरत, पूरा पर्वत उठा लाए, भोर ना होने पाए, सुबह नहीं होने दी। भरत भाई, कपि से ऋण हम नाहे, नहीं हो सकता मैं कपि के ऋण से मुक्त, बड़े उपकार हैं इसके मुझ पर। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, मुझे और लक्ष्मण को दोनों को उठा कर ले गया था अहि रावण, देवी की बलि देना चाहता था हम दोनों के। उस अहि रावण की भुजा उखाड़ दे, मार डाला उसे। बैठ गयो मठ माहे, जिस मठ में हमारी बलि देना चाहता था वहीं पर हनुमान आके बैठ गया और वहीं उसका वध कर दिया। जो भैया हनुमत ना होते, को लावत जग माहे, आज मैं तुम्हारे सामने ना खड़ा होता यहाँ पर, न लक्ष्मण होता न सीता होती, हमें इस संसार में लौटा कर लाने वाला ये हनुमान ही है। भरत भाई, कपि से उऋण हम नाहीं, नाहीं नाहीं नाहीं, कपि से उऋण हम नाहीं। भरत को प्रभु राम अपना हृदय खोल कर दिखा रहे हैं। भरत जी भी आश्चर्यचकित थे कि क्यों हनुमान के प्रति इतना अतिशय प्रेम, इतना स्नेह बरस रहा है,
सीता जी का, राम जी का, जैसे कि उनका पुत्र हो, अपने पुत्र के समान हनुमान को निहारते हैं। और क्या कहते हैं भरत से कि सुनो भरत, आज्ञा भंग कबहु नहीं कीने, मेरी किसी आज्ञा को इसने भंग नहीं किया, किसी भी आज्ञा को, जो मैंने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। और इस माध्यम से, इस बात से राम जी लक्ष्मण की ओर भी संकेत कर रहे हैं कि लक्ष्मण ने भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसका परिणाम सीता का हरण। लेकिन हनुमान मतलब ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता मेरी किसी आज्ञा का उल्लंघन किया हो, किसी आज्ञा का, आज्ञा भंग कबहु नहीं किए ने, कभी नहीं किए, जहां पठायो तहां जाए, जैसा जिस काम के लिए बता दिया कि हनुमान ये काम ऐसा करना है, वैसा ही काम किया पूरा, जो पठा दिया मैंने, जो समझा दिया, बस वही पूरा काम किया। तुलसीदास, पवन सुत महिमा प्रभु अपने मुख सो गाए। तुलसीदास जी कहते हैं, पवन सुत महिमा, पवन पुत्र हनुमान जी की महिमा प्रभु अपने मुख सो गाए, अपने मुख से बड़ाई की। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु जिसकी बड़ाई कर रहे हैं, न केवल बढ़ाई कर रहे हैं बल्कि उसके उपकारों के नीचे स्वयं को कृतज्ञतापूर्ण मानते हुए धन्यवाद दे रहे हैं, भरत से बार बार कह रहे हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि, कपि से उऋण हम नाहि, कपि से उऋण हम नाहि। कितनी अपार कृतज्ञता का भाव प्रभु में है, देखिए कितनी कृतज्ञता, और कितनी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं हनुमान के प्रत्येक उपकार के प्रति, प्रभु कितनी कृतज्ञता से भरे हैं, धन्यवाद से भरे हैं। और जो सबसे बड़ा एक रिमार्क हो सकता है, टिप्पणी हो सकती है, वे देते हैं कि मैं ऋण मुक्त हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने राम जी के कितने काज संवारे, वे काज संवारे जिन्हें संसार में कोई नहीं कर सकता था। हनुमान जी तो सदा यही कहते थे, राम काज करिबै को आतुर, सदा आतुर रहते थे राम का काम करने में। कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, प्रभु का कार्य संपन्न किया, आ गए हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु आपने जो कहा था वह कर दिया। कोई डींगे नहीं हाके, कोई ढोल नहीं पीटे, कोई चौराहों पर पोस्टर नहीं लगाए, अपने होर्डिंग बोर्ड्स नहीं लगाए, बैनर नहीं लगाए, कहीं अपने कोई पब्लिसिटी नहीं की किसी तरह की। ये जो ओछापन है, ये वे ही करते हैं जिनमें अहंकार बहुत अधिक है, जो मैं को लेकर चलते हैं। और हनुमान जी से पूछो कि हनुमान जी इतने बड़े बड़े काम कैसे कर दिए, बड़े बलशाली हैं आप, तो हनुमान जी हाथ जोड़ देते हैं, कहते हैं सब राम जी का बल है। मेरा कहाँ बल, कैसा बल, ये सब राम जी का बल है, राम जी की कृपा है।
उन्हीं के बल से मैं ये सब कर पाया, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ऐसी विनम्रता, ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, ऐसी भक्ति, ऐसी सेवा, ऐसा समर्पण हनुमान के अतिरिक्त कहाँ मिलेगा? है ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं। और ये जो स्तुति है, तुलसीदास जी ने जो लिखी है, भरत भाई कपि से ओरिण हम नाही, ये तो प्राणों में बसा लेने जैसी है, प्राणों में। प्रतिदिन इस स्तुति का श्रवण होना चाहिए, जहाँ प्रभु स्वयं अपने सर्वप्रिय भरत को कह रहे हैं कि भरत कपि से ऊर्ण हम नाही। यदि प्रतिदिन इस स्तुति को सुनेंगे तो वही पल, वही ऊर्जा, वही सुगंध उस समय की, उस काल की, कि जब प्रभु राम भरत जी से हनुमान जी के विषय में कह रहे हैं, वो सुगंध आसपास प्रकट हो जाएगी और वह सुगंध आपके सारे आभा मंडल को समृद्ध कर देगी, औरा रिच कर देगी।